अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद गुनास यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं शामी कबाब का सालन, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत मज़े का भी बनता है। तो एक बार हमारे तरीके से बना कर तो देखो। अस्सलाम वालेकुम, आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं शामी कबाब का सालन, जिसके लिए हमें जो सामान चाहिए वो आपको बता देते हैं। मसाले हम पीस लेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए पुदीना, अदरक का टुकड़ा एक इंच का, 10 से 12 हरी मिर्ची चाहिए, 5 से 6 इसमें लहसुन की कलियाँ चाहिए और एक पिंच इसमें वाइट ज़ीरा चाहिए। और हमने 2 प्याज लिए मीडियम साइज़ के, जिसे हमने बॉईल कर लिया है। अब हम इसको पीस लेंगे। शामी कबाब का सालन जो बनाना सिखा रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले हमने एक फ्राई पैन रख दिया। उसमें हम सबसे पहले डालेंगे तेल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसमें 4 खाने के चम्मच तेल डालेंगे। आपकी मर्जी हो तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हमने जो मसाला पीसा था वो मसाला डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले को हम भून लेंगे थोड़ा सा। मसाला भुनी चुका है, उसमें हम ये डाल देंगे कुछ सूखे मसाले, जिसमें हमने आधी चाय का चम्मच लाल मिर्च लिए पिसी हुई, आधी चाय का चम्मच इसमें हमने नमक लिए, आधी चाय का चम्मच इसमें हमने साबुत कुटा हुआ धनिया लिया है और आधी चाय के चम्मच इसमें हमने हल्दी ली है। नमक आप अपनी मर्जी के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसालों को ढाल के इसके साथ हम भून लेंगे। कबाब भी देखिए, कबाब की टिकिया बनी हुई है। शामी कबाब की रेसिपी हम आपको काफ़ी दफ़ा दे चुके हैं, ये वैसे ही शामी कबाब बने इसके बाद दे चुके हैं। इसका लिंक हम अपनी आई बटन पे दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। शामी कबाब के सालन का मसाला भुनी चुका है। अब इसके बाद इसमें हम दही डाल देंगे। देखिए, इसमें हमने दही ले लिए, ये आधा कप दही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जमी हुई है। इसमें हम दही डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे सालन के साथ। देखिए, दही को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर, देखिए हमने दही को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। आप देख रहे साइडों में तेल आ रहा है। अब इसके बाद हमने शामी कबाब की जो टिकिया बनाई है वो डाल देंगे और हमने 4 से 5 हरी मिर्चें लिए। मर्जी है आपकी, आप ढाले हरी मिर्चें या नहीं ढाले। चलिए, हम इसमें टिकिया को छोड़ देंगे। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टिकिया की भी आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें तलके ढालना चाहें तो तलके डाल दीजिएगा, वरना ये कबाब तो पके हुए होते ही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह हम ये कबाब हमने इसमें डाल दिया। अब इसमें हम हरी मिर्चें डाल देंगे। अब इसे हम ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। देखिए, हमारा शामी कबाब का सालन तैयार हो चुका है। देखिए, आज हमने आपको शामी कबाब का सालन बनाना सिखाया, जो बिल्कुल सिंपल तरीके से बना, बहुत मज़े का बना है। गोले कबाब का सालन तो आपने देखा ही होगा, लेकिन आज हमने आपको शामी कबाब का सालन बनाना सिखाया है। तो उम्मीद करते हैं कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने फैमिली मेंबर फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएगा, ताकि हमारी नई आने वाली रेसिपी आपको फ्री में देखने को मिल सके। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।